कि सेल्फी वही देता है जिसकी कोई नहीं देता है। ये सेल्फी। अच्छा सेल्फी से मुझे याद है, हद तो तब हो गई जब एक गांव की महिला मेरे पास आई, फोन मुझे पकड़ा के बोली, भैया मेरी सेल्फी ले लेना। मैंने कहा सेल्फी तो खुद लेते हैं। तो बोले खुद ही लेना। अच्छा सेल्फी में मुझे याद है, एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। अब उस बच्चे का मुंह थोड़ा अजीब सा था। अब कोई कह रहे थे माता जी की छाया पड़ गई, कोई बोले इसको लकवा हो गया, कोई क्या बोले। तो महिला बोली कुछ नहीं हुआ है, ये बच्ची एडवांस सेल्फी मोड में पैदा हुई। गजब का। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, मूड बनाए करने का आप सभी। मेरा भाई मोहित बहुत अच्छे फोटोग्राफी कर रहा है, मैं मोहित ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, बहुत अच्छा लड़का है मोहित। अच्छा मुझे पता है मोहित की तो पिछले साल शादी हो गई है, बच्चे बच्ची भी है। अच्छा दो चार साल पहले मुझे फोन किया, मनोज भाई साहब कहाँ हो? मैंने कहा मैं यही हूँ मावली में, मावली का रहने वाला हूँ, मैं मावली में हूँ। क्योंकि अच्छा मावली में हूँ क्या यार, मैं मावली में आ रहा हूँ, क्यों आ रहे हो? क्योंकि मावली में मेरी सगाई की बात चल रही है। मैंने कहा अच्छा किससे चल रही है? वो सीमा है ना, सीमा से। मैंने कहा वेरी गुड, सीमा से सगाई की बात कर ली, आ जाओ। चार दिन बाद फिर फोन किया, बोले भाई साहब नहीं आ रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? वो लड़की सही नहीं थी, कैरेक्टर अच्छा नहीं था। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला कैरेक्टर अच्छा नहीं था? ये बोले जैसे ही मैं अपनी गाड़ी लेकर मावली आया, गजब देखना इसका अच्छा शब्द भ्रम होता है, हम गलत समझे तो हमारी गलती, शब्दों की गलती नहीं है। ये जैसे ही मैं गाड़ी लेके आया, मावली से पहले बहुत बड़ा बोर्ड लगा था जिसके ऊपर लिखा था सावधान आबादी क्षेत्र, और नीचे लिखा था मावली की सीमा चालू। इतना गजब का है, बहुत खुशी है। अच्छा मैं तो मेरा बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा सुन रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा मैं तो पिछले दिनों वहां चला गया पुष्कर के मेले में, अपने पाठे को लेकर गया, सामने से अंग्रेज आया, अंग्रेज मुझे देखते बोले वोट ही थी। अब मुझे ये तो पता है क्योंकि जो सब जाति से गुजर हूं, ज्यादा ज्ञान नहीं होता हमें, सही कह रहा हूँ। दुनिया में सब जातियां हैं, गुजर एक प्रजाति है, जो कि समशीतोष्ण भारतीय उपमहाद्वीप में बहुतायत से पाई जाती है, पर सुना है आजकल ये देश में रेल पटरियां उखाड़ने के काम आती है। अच्छा भाई गुजरों में हमारे इधर राजस्थान में अपने इधर गुजर बहुत है, आपके कोटा सेगमेंट बहुत है। गुजरों के भोलेपन के किस्से सुनाओ। एक बार मेरे घर में चोर घुस गया, मैंने चोर को पकड़ लिया, पकड़कर जैसे ही पीटने लगा मुझे पता चला चोर भी गुजर है। मैंने सोचा यार जिसको पीटूंगा तो जाति की पंचायत हो जाएगी, दंड जुर्माना हो जाएगा, क्या करें। मैंने एक रस्सी का टुकड़ा लिया, उससे चोर के दोनों पांव टाइट बांध दिए, सीधा थाने में चला गया। मैंने कहा थानेदार साहब मेरे घर में चोर घुस गया, पकड़ के लाओ। वो बोले तू यहाँ कब आया? चोर तो भाग गया होगा। मैंने कहा ऐसे कैसे भाग सकता है, मैंने उसके पांव बांध रखे हैं। वो बोले पांव बांध रखे हाथ खुले। मैंने कहा हाथ सर ये तो मेरे को संपट नहीं रहा, लेकिन वो भाग नहीं सकता है क्योंकि वो भी गुजर है, जिस बात का संपट मेरे को देगा उसको भी नहीं रहेगा। अच्छा वो गांव के लोग उसे छोड़कर गुजर इतने भोले में कितना याद है। मेरे मतलब गांव में खाना करना था, जिसको आजकल तो यहाँ बफेट हो गए, आप बड़े बड़े लोगों बफेट में जाते हो खड़े खड़े खाने, गांव में आज भी नीचे बैठकर पंगत में जिमाया जाता है। भोलापन देखना गुजर का, पंगत बैठ बैठ के जिमन चल रहा था, मोतीलाल जी गुजर अंदर बैठे हुए थे, मिठाइयां सप्लाई कर रहे थे, बेसन चक्की लड्डू लापसी। इतने में एक परोसने वाला आया, आते बोले मोतीलाल जी देखना तो अंदर लापसी कितनी बची हुई है, भोलापन देखना गाँव के गुजर का। मोतीलाल जी अंदर गए बाहर आए, घुटने तक पाव लापसी में भरा हुआ, बोले बेटा अभी तो इतनी बची है। इतने सीधे और सज्जन आदमी है। अच्छा किसी ने कहा मनोज तेरी धरती ठीक नहीं चलती, कथा वथा करवा। मैंने कहा कथा कौन करता है? बोले कौन क्या करते, पंडित करते। मैं पंडित जी के पास गया, मेरे को पंडित जी कथा करनी है। वो बोले बिल्कुल कथा हो जाएगी, मुझे लिख पकड़ाई के सामान लेके आ जाना, और मेरी बोली बुजरी को बोला आंगन में चौका लीन देना, गंगा जल छिटक देना। अब नियत के ऊपर जैसे ही कथा शुरू हुई, मैंने कहा पंडित जी मेरे को क्या करना है? वो बोले कुछ नहीं करना है, जो मैं करूँ वही तेरे को करना है। मेरे बात समझ में आ गई। अब पंडित जी ने जैसे हारमोनियम पर कथा शुरू की,
आपने समझ में नहीं आया, अपन भी बोल गए पंडित ने कहा ये क्या कर रहा है बेवकूफ, मैं भी बोला है ये क्या कर रहा है बेवकूफ, पंडित का चेक ऐसे बीच बीच में करेगा तो थप्पड़ पड़ जाएगी, मैं भी बोला चेक ऐसे बीच बीच में करेगा तो थप्पड़ पड़ जाएगी, पंडित ने कस के थप्पड़ मारी, मैंने भी कस के थप्पड़ मारी, अब हम दोनों गुत्थम गुत्ता लड़ते लड़ते दरवाजे तक चले। इतने में मेरी भोली गुंजरी उठ के आई, बोली हो पंडित जी मुझे पहले कहते ये कथा यहाँ से चलकर दरवाजे तक जाएगी तो मैं आंगने को वहां तक लीप लेती ना। इतने सीधे और बोले अच्छा मैं तो तेरा पुष्कर के मेले में चला गया अपने पाटे को लेकर, पाटा तो आप जानती हो भैंस का हस्बैंड, उसको लेकर पुष्कर के मेले में गया, सामने से अंग्रेज आया, अंग्रेज मुझे देख के बोले व्हाट इज दिस, अब मुझे बोले मुझे कोई ये तो पता है कि भैंस को अंग्रेजी में बफेलो कहते हैं मगर पाटे को क्या कहते कोई अंग्रेजी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बात नीचे नहीं गिरने दी, जैसे उसने पूछा व्हाट इज दिस मैंने कहा सर दिस इज माय जेंट बफेलो। अच्छा मैं तो कुंभ के मेले में गया उज्जैन, वहां एक बाबा जी बैठे हुए थे उनके चरणों में मोक्ष भक्त लेटे हुए थे, कोई के बाबा जी मेरा ये काम नहीं हो रहा, बाबा जी भगूत थे जा तेरा काम हो जाएगा, किसी ने कहा बाबा जी मेरा धंधा ठीक नहीं चल रहा, बाबा जी ने भगूत दी जा तेरा धंधा ठीक चलेगा, मैं भी चला गया, मैंने कहा बाबा जी मेरी लुगाई मेरा कहना नहीं मानती है उसको बस में करने का उपाय बताओ, बाबा जी बोले बेवकूफ इसको ये उपाय अगर मेरे पास होता तो मैं क्या बाबा होता। मैंने कहा नहीं फिर भी उपाय तो आपको बताना पड़ेगा, मैं तो बाबा जी ने कहा अच्छा तूने कभी अपनी पत्नी के हाथ के बने खाने की तारीफ की, मैंने कहा हाँ वो तो नहीं की, वो बोले कृपा वहीं अटकी हुई है। अब तो आप समझ गए होंगे बाबा जी कौन से थे, हाँ कृपा वहीं अटकी तो तारीफ क्यों कर। मैं फटाफट घर पे आया, घर पे आते ही मैंने कहा पत्नी को खाना बना के ला, पत्नी खाना बना के लाई, खाना बना के लाई, मैंने खाना अच्छे शानदार पराठे बनाए, मैंने पराठे तपा तपा मैंने कहा वाह